आप देख रहे थे सायन न्यूज। हमारे साथ वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी सोनू सोरे जी। आइए जानते हैं कि चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य क्या है, किस मुद्दे को, किस एजेंडा को लेकर वो चुनाव रणनीति में। मेरा मकसद है विकास करना जी, हर गांव में सौर ऊर्जा की लाइट लगवानी जी, खेतों में। सोनू जी कितने गांव आपके अंडर में? 16 गांव है जी। और खेत जो मतलब खेतों पे किसान जाते हैं उनकी मतलब परेशानी है, खेतों पे खड़ंजा नहीं है, कच्चे रस्ते हैं जी, उन्हें पक्का करवाना जी। और मतलब अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए गाँव में जी। ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, स्वास्थ्य तो है, स्वास्थ्य केंद्र होते तो है, इनमें डॉक्टर मौजूद नहीं होते, डॉक्टर मौजूद नहीं होते, मौजूद नहीं होते, डॉक्टर नहीं बैठते, या बेड नहीं होते, बेड नहीं होते हैं जी, होते तो है स्वास्थ्य केंद्र, होते हैं, बैठते ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा कैंडिडेट होता है या तो अपना शिक्षा में उन पर ध्यान दिया जाए, उन्हें देखा जाए, प्रतिदिन चेक करा जाए, हफ्ते में चेक करा जाए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, हफ्ते में एक दो बार चेक करना चाहिए जी। सोनू जी सबसे बड़ी बात जो भी आपने कही सोल उड़ जाना है, क्योंकि आजकल ज्यादातर जो दिक्कत है मेन दिक्कत अगर मेरे को लाइट व्यवस्था, लाइट व्यवस्था क्षेत्र में जो है बिजली और पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, उसके वजह से बहुत जो पढ़ने वाले बच्चे हैं गरीब तबके के लोग हर कोई इन्वर्टर नहीं लगवा सकता, सबके इन्वर्टर नहीं है, सबके इन्वर्टर नहीं लगवा, इतने सक्षम नहीं होते कि इन्वर्टर लगा सके। तो आपने एक जो बात कही कि मैं चाहता हूँ सोल ऊर्जा लाइट, ये आपकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी, हर गाँव में सोल ऊर्जा की लाइट लगे जी, और गाँव में मतलब रस्ते पक्के हों जी, खेतों पे मतलब खड़ंजा कार्य होना चाहिए जी। और दूसरी बात है कि सोलह जी आप 16 गाँव आप घूमे हो, आपने हर जगह पानी भी पिया होगा, पानी पिया, आपने भी देखा होगा कि पानी प्रदूषित है अधिकांश गाँवों का, पानी अच्छा नहीं है जी, जिसकी वजह से अधिकांश लोग मर रहे हैं, मर रहे हैं, काफी हद तक देखा जाता है कैंसर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, हो रहे हैं वो कैंसर से, मृत्यु भी हो रही है उनकी, किस वजह से? पानी की वजह से, पानी गंदा है जी। तो इसे भी कोई चेक करने वाला नहीं है क्या? इसे कोई चेक करने वाला नहीं है, किस गांव में टंकी लग रही है, किस गांव में क्या होना है, चेक करना आज तक अभी मतलब आज तक कोई आया नहीं जी। ये मेरी भाभी है विनेश चौधरी, ये वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत लड़ रही है, इनको ये वार्ड नंबर 14 से इनका चुनाव चिन्ह है क्रेन, इनको अपने भारी मतों से विजयी बनाए, इनकी सफलता आपकी सफलता होगी। दीपावली, दशहरा और नववर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विनेश चौधरी को भारी से भारी मतों से क्रेन पर मोहर लगाकर विजय मनाओ। सोनू चौधरी जिंदाबाद, विनेश चौधरी जिंदाबाद।